माताएं बहने और हमारे सभी नौजवान युवा साथी, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मीडिया के हमारे साथीगण, सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से, अपने पिता की तरफ से श्रद्धांजलि स्वर्गीय जयंत प्रसाद जी को करने का काम हम लोग करते हैं। और हमें मौका मिला उनके मूर्ति के अनावरण करने का, सौभाग्यशाली समझते हैं। जयहर बाबू को कौन नहीं जानता। नवादा जिला के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, समाज सेवी, नगर पंचायत के चेयरमैन भी रह चुके और अभी जितने कॉलेज नवादा जिला में तरक्की हुई, आगे बढ़ा, तो उसमें स्वर्गीय जयंत सिंह का बड़ा योगदान रहा है, इसको कोई भुला नहीं सकता। हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे उन्होंने कितने मुख्य कामों को किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि चुनाव के बाद, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, कहीं हम निकल नहीं पाए। अगर पहला कोई जिला है कोरोना लॉकडाउन के बाद, अगर किसी जिला में हमको जाने का मौका मिला चुनाव के बाद, तो वो नवादा जिला में है। नवादा जिला की जनता को खास तौर पे हम धन्यवाद देते हैं। अरे यार, 6 में से 4 सीटें जो है महागठबंधन के नाम आ रही है। सरकार तो बनी नहीं था, जनता ने जनादेश दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा जो भी आया, लेकिन जनता ने सरकार महागठबंधन को बनाया था। मौजूदा सरकार जो आई वो चोर दरवाजे से आई, ये किसी से छुपा नहीं। हर समाज के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के लोगों ने बढ़ चढ़ करके महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम किया और उसमें नवादा जिला भी 5 में से 4 सीटें जो रहा वो दिया। इसके अलावा हाथ पकड़ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी जो हालात आप देख रहे हैं, पूरा बिहार, उत्तर बिहार जो है, खासतौर से गंगा नदी जहां जहां गुजरती है, गंगा का जलस्तर बढ़ने से काफी बाढ़ की स्थिति जो है पूरे उत्तर बिहार में स्थिति जो है वो हुआ है। हमको पता नहीं था कि विवाह जी का मायके बख्तियारपुर में, अभी हमको यही विवाह जी के सौजन्य से बख्तियारपुर में लगभग एक दिन जो है 5,000 बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। अभी हम वहां से भी होकर के आ रहे हैं। खुशी इस बात की है कि महिला है, घरेलू है, समझदार है और अपने विचारधारा पर लड़ने वाला इसका व्यक्तित्व रहा है। जिंदाबाद। और जिस हिसाब से ये काम की, जितना भी तारीफ किया जाए वो कम। अगर आप देखिएगा
कोरोना के समय में पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पूरे बिहार को नहीं पूरे देश को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे विधायक कमरान जी और विभा जी विदेश से जो है ऑक्सीजन मंगा करके नवादा जिला को दे रहे हैं। अभी हम देखते हैं रोटी बन रहा था मशीन में, रोटी बन रहा था मशीन में, तीन मशीन था जिसमें कई रोटियां बन रही थी, जिसमें हजारों लोग को जो है वो खिलाया जाता है, यानी एक घंटे में 1000 रोटी एक मशीन बनाने का काम करता है। पूरा बिहार घूम लीजिए, पूरा देश घूम लीजिए, कहीं भी बाढ़ पीड़ितों के कैंप में जहाँ कम्युनिटी किसी चलाई जाती है वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो विभाग के करके बिहार की धरती पर दिखा रहे। अब आप समझ रही है, अगर एक व्यक्ति एक ईमानदार जवाबदेही जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो अपने लोगों के लिए कितना कुछ काम कर सकता है, लेकिन जो मौजूदा में जो सरकार है खाली कहने के लिए डबल इंजन है, खाली कहने के लिए डबल इंजन है। अब आप बताइए अच्छे दिन आए कि नहीं आए, इतना प्रचार होता था कि अच्छे दिन आएंगे, अरे भाई लोग लगातार इतना नारा, 110 रुपए पेट्रोल हो गए, अच्छा दिन। अब बीजेपी वाले लोग को कह रहा हूँ कि गैस का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, एयर इंडिया, BSNL, रेल, सेल, LIC सब बिक गया, देश का संपत्ति बिक गया, किसान मर रहा है अपने MRP के लिए, MSP के लिए, लेकिन सरकार जो है चाहे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार एक ही गठबंधन की सरकार, आज तक कोई केंद्र से पूछने तक नहीं आया कि बाढ़ की स्थिति क्या है बिहार में, कितना मंत्री बनाया लोग बिहार में, अब एक मंत्री बनकर के आए हमें स्वागत अपना करा रहे हैं, ना कि जाकर के बिहार के बाढ़ पीड़ितों से मिले, उनकी सेवा कराए और स्पेशल पैकेज जाकर के बिहार से दे, वो अपनी स्वागत करा रहे अपना हर जिला जा रहे हैं, अपना स्वागत करा रहे, कहा है भैया कि मंत्री बन गए, मंत्री बन गए। इन लोगों का जो लोग सत्ता में है उन लोगों का जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है जनता से, केवल और केवल उनको अपनी कुर्सी को बचा के रखना है, कुर्सी पर कैसे बने रहे केवल उसी की राजनीति वो लोग करते रहते हैं, जोर तोड़ गुना भाग, केवल और केवल उनका दिमाग और हाथ पैर अगर चलता है तो केवल अपनी कुर्सी के लिए चलता है, सत्ता के स्वार्थी लोग। हम लोग विपक्ष में हो करके भी कोरोना का काल आया, लालू जी की तबीयत खराब थी, अब आप लोगों के दुआ से आप लोगों के आशीर्वाद से उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है और हमको लगता है कि एक महीना के अंदर भी पटना आ जाएंगे। क्या बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लालू जी ने हर एक को निर्देश देने का काम किया, जितने विधायक थे कोरोना काल में, जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना खिलाइए आप, जिसको दवा नहीं मिल रहा उसको दवा दिलाइए, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको ऑक्सीजन दिलाइए, जिसका टेस्ट नहीं हो रहा या संशान लोग जो जा रहे हैं उनको मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, गरीब की आवाज को बुलंद कीजिए, लालू जी ने किया। कहीं कोई कोरोना काल में आपको नहीं दिखा होगा, केवल दिखे होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता। हम लोग विपक्ष में है, सीमित संसाधन,
हम लोग विपक्ष में सीमित संसाधन है, लेकिन जिससे जितना बन पाता है वो करता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं भैया? मलाई खा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर नहीं आपको दिखा होगा जो बाढ़ राहत में जाकर के लोगों को रेस्क्यू कराए या खाना ऊपर से बांटने का काम करे, सूखा राशन देने का काम करे। कोई काम नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए मदद के लिए हेलीकॉप्टर का सहयोग नहीं लेते। लेने के लिए चाहे लालू जी के समय में पूरा सिस्टम होता था, बाहर के समय हेलीकॉप्टर लगा लगा करके जो है खाना बांटने का काम किया जाता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं। अब हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे जाति जनगणना को लेकर के, कि जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए ताकि पता चले क्या फायदा है जाति जनगणना से। जाति जनगणना से यही फायदा है, मान लीजिए आप बीमार हैं, तो बीमारी क्या है जब तक आप पता नहीं कीजिएगा तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमको बीमारी पता करना है तब हम इलाज करेंगे। अभी जितना ऑपरेशन चल रहा है वो बिना बीमारी का पता लगाए नहीं चल रहा है। तो जातीय जनगणना ये है कि कौन लोग गरीब है, कौन जात का लोग जो है नाला साफ करता है, कौन जात का जो लोग है वो रिक्शा चलाता है, कौन जात का लोग है जो भूमिहीन है, कौन जात का जो लोग है जो कचरा उठाने का काम करता है, एक कमरे में रहने का काम करता है, कौन जात का लोग दिहाड़ी मजदूर है, पता चलेगा तब ना सरकार जो पैसा खर्च करेगी तब ना तय करेगी भाई पता चलेगी गरीब कौन है, तब ना उस हिसाब से बजट बनाएगी, बजट बना करके योजना बनाएगी, फिर ना योजना का लाभ होगा। अभी योजना तो ऐसी बन रहा, कितना लोगों को जो है योजना का फायदा मिलता है सरकार का? बहुत कम लोगों को मिलता है। गरीबी तो बढ़ती जा रही है क्योंकि इलाज आपका ठीक नहीं हो रहा। इलाज तभी होगा जब आपको बीमारी का पता चलेगा, जब ये पता क्षमता पता चल जाएगी कि फलना लोग फलना जात के लोग गरीब है, फलना जात के लोग बीमार है, तब ना जा करके उसके लिए अलग से पैसा खर्च करेगी योजना बना करके सरकार। अभी तो आपको हमको पते नहीं है कि क्या आंकड़ा है, उसलिए ये महत्वपूर्ण कदम था जिसको हम विधानसभा से लेकर सड़क तक भी हम लोग लड़ने का काम किए। और खुशी की बात है कि हम लोग जो लालू जी जिस मांग को लेकर के जाति जनगणना को लेकर के लड़े, हम लोगों ने बिहार विधानसभा से दो बार प्रस्ताव जो है केंद्र को पास करके भेजने का काम किया। हम तो जाके मुख्यमंत्री जी को भी बोलते आए, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा कि मुख्यमंत्री जी जब केंद्र सरकार को करना है, हम लोगों ने बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो इसमें विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसमें गरीबों का जनता का भला है। आप चलिए हम सब दो चलते हैं, बिहार विधानसभा का डेलीगेशन चलता है और प्रधानमंत्री से मिलता है। 4 तारीख से लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखा जा रहा था प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे रहे, लेकिन आज हमको सूचना मिली है कि सोमवार को प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को समय दिया है। सोमवार को हम लोग जाकर के मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री जी से और ये मांग करेंगे कि बिहार को जो है पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराइए, साथ ही साथ बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है बिहार के लोगों को आप स्पेशल पैकेज देने का काम कीजिए, टीम भेजिए, आकलन कीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, ये मांग की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी सब लगातार मांग करते रह रहे हैं महंगाई हुआ है कि नहीं हुआ, महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लोग नारा लगा के आते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे,
महंगाई को खत्म कर देंगे। आप कहते हैं अब तो कितना जो है बढ़ गया महंगाई, तो हम बोले कि भाई बाढ़ पीड़ितों को महंगाई बढ़ गया, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक आप 6,000 रुपया दे रहे हैं, वो 6,000 का बाढ़ पीड़ितों को 15,000 रुपया करने का काम किया, ये काम होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हम लोग पूरे ईमानदारी से पूरे चुनाव में हम लोगों का क्या एजेंडा, बेरोजगारी का हमने आपसे वादा किया था कि पहला कैबिनेट के पहला मीटिंग में पहला दस्तखत अगर मेरा होगा तो उस दस्तखत से हम 10,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। चुनाव के समय भाजपा वाला क्या बोला, नीतीश जी पहले बोलते हैं कि असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, बोले थे कि नहीं बोले थे। नीतीश जी एनडीए के बीजेपी का चेहरा है, मुख्यमंत्री उन्हीं को रहना, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं असंभव है, आप पीछे से बीजेपी का काम 19,00,000 दे, इतना भारी परिमाण लोग है भाई। अब बोला क्या, हम रोजगार का व्यवस्था कराएंगे, हम बोले हम 10,00,000 सरकारी नौकरी देंगे, वो बोला है कि हम रोजगार का व्यवस्था कराएंगे, पैदा करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं लेंगे। अब आप बताओ, कोरोना हो गया, महंगाई हो गया, सर लोग अभी भी बेरोजगारे है ना, जिसका सिपाही वाला भर्ती में इतना घोटाला हुआ, धांधली हुआ, जो RCP टैक्स दे रहा है उसी का हो रहा, जो परीक्षा नहीं दिया बाद में उसका रिजल्ट में पास हो गया। GST वाला, अरे आपको पता नहीं, मैट्रिक बिहार के बोर्ड में सनी लियोनी को जो पास कर दिया, और इस बार के STET वाले परीक्षा में जो साउथ की मलयालम हीरोइन है तो अनुपमा करके उसको पास करा, जो STET में जो पास किया जिसका अधिकार बनता है, और तक लोग को रोजगार। आप बताइए, अगर मेरा सरकार होता जो आप लोगों ने जनादेश उसके लिए दिया, तो आज डॉक्टर की बहाली होती, नर्सेस की बहाली होती, मेडिकल स्टाफ की बहाली होती, वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन की बहाली होती। आज वेंटिलेटर तो आया एक साल बाद, अरे सरकार आ करके पढ़ा हुआ है भाई, चलाने वाला के है तो पते नहीं, वेंटिलेटर पढ़ा हुआ है, ICU में वेंटिलेटर जान बचाता है, और वेंटिलेटर है ICU में चला गया, बुझा रहा है। जब तक कंप्यूटर ऑन नहीं कीजिएगा, चालू करने वाला जब गाड़ी का ड्राइवर नहीं ले जाएगा, तो गाड़ी लेकर के क्या फायदा, तो सारा सरकारी पैसा का वेंटिलेटर खरीदा हुआ सारा प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया, क्यों, क्योंकि टेक्नीशियन नहीं था चलाता। इस कोरोना महामारी में डॉक्टर की जरूरत थी, नर्स की जरूरत थी, मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी, टेक्नीशियन की जरूरत थी, और खाली पद पड़ा हुआ है, उसको भरना है, भर नहीं पा। अब आप कल्पना कीजिए, जो लोग मामूली परीक्षा नहीं करा सकता ईमानदारी से, बिना बेईमानी से, वो लोग सरकार, बिहार का सरकार और बिहार की जनता का सेवा क्या करेगा, कैसे कर सकता। आज कितना बड़ा मदद मिलता है, डॉक्टर बनते लोग, इंजीनियर बनते लोग, टीचर बनते लोग, प्रोफेसर बनते, स्कूल की स्थिति ठीक होती, अस्पताल की स्थिति ठीक होती, तो ये सब पे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी लड़ाई है वो चलती रही है, अब हम लोग तो मांगेंगे ना भैया कि कहाँ गए रोजगार, अरे सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम रोजगार तो पैदा कीजिए। अब रोजगार मांगते हैं तो मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा बेचिए, अरे मोदी जी पकौड़ा भी बेच लेगा आदमी, लेकिन पकौड़ा का दुकान चलाने के लिए बैंकवा तो लोन नहीं देगा, तो सरकारी में दे दे 15,00,000 नहीं तो कम से कम 1-2 लाख रुपए का बोनिए ना करा दीजिए, ताकि पकौड़ा का दुकान तो खोल ले, तब तक कुछ तो करे। लेकिन लॉकडाउन में पकौड़ा का दुकान भी बंद हो ले,
कहा क्या दिए, कहीं कोई व्यवस्था सरकार का कौन लेकर के हमारा नौजवान भाई साहब डिग्री लेकर के भी बेरोजगार कोई कुछ नहीं लगे। इसलिए विधानसभा में भी हम लोग लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ते हैं। अब नौकरी मांगने हम गए, सड़क पर उतरे हम लोग तो हम लोगों पर पत्थर चलाया गया पुलिस से बेली रोड, हम पे 360 मुकदमा कर दिया, क्योंकि हम जो है मांग कर रहे थे सड़क पर खड़ा होकर के, भाई मेरा विरोध करना और आपके वादों को याद दिलाना मेरा काम है। हम यही बोले कि भाई 19 लाख रोजगार आप देने वाले थे, कब दीजिएगा, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, उस समय तो हम पे 307 का मुकदमा कर दिया। 307 का मुकदमा क्या होता है, हत्या का प्रयास करना। अब आप बताइए, हम तो रोजगार मांग रहे थे, रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आप लोगों का काम कर रहे थे और पता है सारा सरकार के किसका हत्या कर रहे थे, बता तो दे। मतलब अब ये दिन आ गया कि अब इस तरीके का घटिया राजनीति करें भाई। लालू जी की सरकार में रहे, हम लोगों की भी सरकार थी, कभी ऐसी ओछी राजनीति किसी से नहीं होती है। मुकदमा करते हैं लोग, हम लोग को तो आदत हो गया, हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब मेरे साथ साथ कितने पार्टी के वर्कर नेता लोगों को इन लोगों ने झूठे केस मुकदमे में फंसा रखा है, और ये आप लोग बेहतरीन ढंग से जानते हैं, किसी से ये बात छुपी नहीं है। बदला लेने के लिए ये सरकार कहीं तक जा सकती है, कितना घटिया से भी घटिया आरोप ये सरकार जो है लगाने का काम करती है। इसलिए हम सब लोगों को अब ये मत समझिए कि भाई जो विपक्ष है या एक राजनीतिक दल है वही लड़ाई लड़ेगा। अब समय आ गया है कि जनता और हम सब मिलकर के अपने अधिकार और अपने लोकतंत्र, अपने देश के संविधान के लिए, अपने हक के लिए मिलकर के सरकार से लड़ने का काम करें। अब इसमें हम आप लोगों का समर्थन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, आप हमको सहयोग दीजिए। अभी धीरे धीरे सब काम हम लोग करवाने का काम करेंगे, और इतना बिहार भर में जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, 15 से 20 सीटी लोग लास्ट में बेमानी कर गए, 4 बजे तक तो हम लोग सरकार बना लिए थे, 4 बजे के बाद ही लोग बीजेपी वाला नीतीश जी के घर जाके जो खेला शुरू किया तो सब लोग जानते। अब शक्ति जी है जो प्रभारी, तो बताओ हिंसा से 5:30 बजे अनाउंस कर दिया सामने कि जीत गए हैं 550 वोट से, और रात के 12 बजे जो है 12 वोट से हरा दिया। ऐसा कितना उदाहरण, बहुत उदाहरण, 15 सीट हराने का काम सरकार ने किया, लेकिन कितना भी बेईमानी किया तो एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिला, और महागठबंधन को कितना भी हराने के बाद, बेमानी करने के बाद 1,56,00,000 वोट मिला, यानी अंतर केवल 12,000 का। आप समझ रहे हैं 12,000 के अंतर में मेरा गठबंधन को, हमारा आप लोग के गठबंधन का, एनडीए का, भाजपा जदयू का गठबंधन का मात्र 12,000 का डिफरेंस है, हमारा 1,56,00,000 है, तो उसका 1,56,00,000 12,000 भी बेईमानी करने के बाद सरकार तो आपकी बनी गई। अभी बताइए भाई 12,000 में लोग 15 सीट जीत गए, तो हम लोगों का जो लोग थे सब तकलीफ जी सब लोग कोर्ट वोट गए हुए, वोट जो है तारीख अभी तय नहीं किया गया है, केस किया हुआ कोर्ट में, अपील में लोग जा चुके,
12 कैंडिडेट हमारे अपील करिए। अब कोर्ट जब जैसा तय करेगा भाई, हम लोग तो पालन ही ना कर सकते, आप सबूत के साथ दे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा सबसे बड़ा पार्टी बिहार में बना, ये आप लोगों का प्यार अरे अरे जो भी हो, नीतीश कुमार जी तो थके हुए ना मुख्यमंत्री, अब तो थक चुके, उसे बिहार संभाल रहा है। बोलते है शराबबंदी है संभाल, और हमको तो इस पर कोई टिपा टिप्पणी नहीं करना कि होम डिलीवरी होता कि नहीं होता। नहीं पता होता है, यहाँ तो सबको पता है, सबको बताने की जरूरत तो है, अभी भी नहीं बताने की जरूरत है कि 200 वाला जो है आसन उनका तो बताने की जरूरत है क्या? जानो जानता अब तो थाना ब्लॉक में कितना ईमानदारी का काम होता है तो सब जानता, बताने की जरूरत है क्या कि थाना ईमानदारी एकदम काम करता है, 500,000 रुपया उसको भाटा ही नहीं है, तो दारू से इतना हो रहा है, खाना ब्लॉक सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, पूरा संस्थान को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। गरीब को न्याय के लिए कहीं चला जाए, गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, न्याय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो गरीब है, उसके पास गांधी जी नहीं है ना, न्याय तो उसको मिलता है जिसके पास गांधी जी है। गांधी जी बन जाइए, गांधी जी का विचारधारा अपना लीजिए, लेकिन आज के युग में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन गांधी जी का फोटो वाला रहेगा तो आपका काम नियम विरुद्ध भी हो जाएगा। किसको फंसाना है, किसको बचाना है, सब काम सब करता है सरकार में। अब बताइए भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला है? तो हम देखिए जवान हैं, काम करना चाहते हैं, और हमको कोई सपना नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने। एक बात समझ जाइए, हम को कोई सपना देखने का शौक नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, जनता जिसको चाहती है उसको मुख्यमंत्री बनाती है। हमारा एक ही मकसद है काम करने का, कि कम से कम एक बार जो है बेईमानों का सरकार बदले और गरीब का राज फिर से स्थापित करे। अभी पूरा सत्ता केवल केवल अफसरशाही है, ना सुनवाई हो ना कार्रवाई, केवल घुसखोरी भ्रष्टाचार। हम वादा किए थे आप लोगों से, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आपको हम देने का काम। आज ना जोताई हो रहा है, ना बुआई हो रहा है, ना कटाई हो रहा है, महंगाई हो गया। आप बताइए हर चीज महंगा हुआ कि नहीं हुआ? जोताई महंगा हुआ, बुआई महंगा हुआ, कटाई महंगा हुआ कि नहीं हुआ? हर डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज स्वाभाविक रूप से महंगा होगा, बड़ा है। आप लोग अच्छे से लाते हैं, हम तो बस इतना ही ना चाहते थे कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हो। खैर विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष को कोई हल्का नहीं समझ रहा, मजबूत समझ रहा। और हम लोग जब खड़े होते हैं, सभी विधायक, आपकी विधायक, सभी लोग, कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग, तो मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं होता, मुख्यमंत्री सामने में बैठकर साथ चल रहा, कोई जवाब नहीं देता। इसलिए
सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं और जितने समर्थकों को हम इतना ही कहेंगे कि स्वयं आप लोग जो है आप लोग रहने का काम कीजिए, मर्यादा में रहिए और अनुशासन और जन भावना का आप लोग जो है ख्याल रखिए। जितने हमारे कार्यकर्ता सभी लोग और गरीब के प्रति जो है उनके लड़ाई में आप लोग भागीदार बनिए, उनके दुख और सुख में आप लोग हिस्सेदार बनने का काम कीजिए और जनता की आवाज को बुलंदी से आप लोग रखने का काम। बाकी हम लोग आप लोगों की लड़ाई चाहे सड़क पे हो चाहे सदन में हो हम लोग उसको जो है पूरी तरीके से लड़ने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज हम लोग सब लोग इस बीएड कॉलेज के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, मूर्ति का अनावरण किया है। आज के दिन हम जय सिंह जी को स्वर्गीय उनको याद करते हैं और उन्होंने जो काम किया कई लोग जो है यहाँ बताने वाले हैं। हमको तो ज्यादा देखने का सुनने का उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला लेकिन हमारे पिता जरूर उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो जो आज मूर्ति अनावरण का काम हुआ जो आयोजन करता जितने लोग हैं खासतौर पर विभा जी को और पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी को सभी लोगों को कमरान साहब को आपके विधायक रजौली के विधायक प्रकाश जी जी को सब लोगों को हम फिर से नीतू जी को सब लोगों को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमको इसी बहाने क्योंकि हम लोग रैली या जनसभा बोल करके आते तो हम लोग को परमिशन नहीं मिलता। चुनाव से एक साल पहले हम लोग को बंद कर दिया जनता के बीच मत जाओ, लॉकडाउन कर दिया था चुनाव से एक साल पहले। तो हम बोले भाई लॉकडाउन है तो कोरोना में काला चुनाव करा, जनता में जाने ही नहीं दीजिएगा। ऐसा तो खैर चलता रहता होता रहता है, हम राजनीति करता रहता है लेकिन मजबूत आप सब लोग रहिए तो आप लोगों का सहयोग का समर्थन मिलेगा ना, प्यार मिलेगा ना, दोनों हाथ उठा करके बताइए प्यार लड़ाई लड़ना है ना। देखिए यही मत सोचिएगा कि फलना लड़ाई लड़ेगा तब हम उठेंगे, साथ जो है आप लोग मिल करके लड़ने का काम कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।